स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार वीडियो। तो किसान भाइयों, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है हमारी 20 गुणचित्र का प्लांट जो कि काफ़ी बढ़िया सोयाबीन है। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार खड़ी हुई है। लेकिन किसान भाइयों, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आपकी फसल पूरे खेत में अच्छी हो, और कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी दब रही है, कुछ वहाँ पर दब रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा यूरिया ले सकते हैं आप। जैसे कि मैं अपना साथ में भी, मैं अपनी सोयाबीन देखने के लिए आया था, लेकिन मैं यूरिया भी साथ में लाया हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो अब किसान भाइयों, ये क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी हल्की जल रही है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा कुछ इस प्रकार से, तो अपनी सोयाबीन पूरे प्लांट में एक जैसी हो जाएगी। तो इसी मकसद से मैं ये भी साथ में लेकर ही आया हूँ। और किसान भाइयों, सोयाबीन अभी फूलों की स्टेज में चल रही है, आप देख सकते हैं सफ़ेद फूल आते हैं इस वेराइटी के, और आप देख सकते हैं पूरे खेत में तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं पर जो मान लो कि अपना यूरिया नहीं लग सका, या फिर खरपतवार की दवाई जो छिड़काव की थी उसका ज़्यादा स्प्रे इस पर डबल चला गया, तो वो वहीं पर भी वो सोयाबीन दब जाती है। तो उसी के इलाज के लिए मैं आज ये अपना जुगाड़ लेकर आया हूँ, जो कि देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। और किसान भाइयों, पानी काफ़ी बरस रहा है हमारे क्षेत्र में, रिकॉर्ड तोड़ दिया कई सालों का, और खेत में अभी पाँव भी नहीं लग रहे, तो कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी शानदार खड़ी हुई है इधर, तो और आप उधर देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में दब चुकी है सोयाबीन, तो वो खाद उधर ही डालना पड़ेगा। और पूरे खेत में तो अच्छी है। किसान भाइयों, अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनती है, तो आप भी ये नुस्खा अपना सकते हो। जहाँ जहाँ पर कम ये सोयाबीन दब रही है और पीलापन आ रहा है, तो आप वहाँ पर ये ट्रिक लगा कर आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई। और किसान भाइयों, कहीं पर अपने खेत में किसी कोने में पानी इकट्ठा हो रहा है, और तो आप वहाँ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी सोयाबीन को मतलब पूरे प्लांट एक जैसा हो जाएगा 10-15 दिनों के अंदर ही। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति है 20 गुणचित्र वेराइटी की। किसान भाइयों, इस वेराइटी हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका प्रचार हुआ है, क्योंकि ये उसका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और ये टाइम से हमारे निपट भी जाती है। और किसान भाइयों, यही थी वीडियो। मैं आपको अपना कुआं बताता हूँ, कुआं कितना भर चुका है। किसान भाई, इतना पानी, किसान भाई हमें दो पॉइंट रख रखे हैं पानी निकालने के लिए, एक तो यहाँ पर, और एक आप वहाँ आगे देख सकते हैं जो वहाँ खंभा दिख रहा है आपको, उससे आगे। तो इन दो पॉइंटों में अपना काम हो जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना खेत का कुआं, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और किसान भाइयों, ये हमारा खेत का कुआं है, देख सकते हैं पूरा भर चुका है। इतना पानी किसान भाइयों कभी नहीं भरता हमारे क्षेत्र में, मुझे पास जाने में डर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग सत्तर हाथ, हमारा इधर हाथ बोलते हैं, फीट में आप देखेंगे तो 100-150 फीट के लगभग होगा, मेरा अनुमान है। ये 70 हाथ गिरा है किसान भाइयों, और आप देख सकते हैं पूरा भर चुका है। अब हमें जो दवाई स्प्रे करने का काम होगा, हम यहीं से पानी अपनी टंकी में भर लेंगे जुगाड़ की सहायता से, और दवाई का स्प्रे हम कर लेंगे। तो यही थी वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जुड़े रहिए।